आज मैं पहले ही बनाने वाली हूँ मेटल कॉलर चेन को, ठीक है ना। और उसके बाद मैं आज बनाने वाली हूँ वॉल्ट को और पोटेन डस्ट को, कैसे आप लोग पा सकते हो, और रेयर फ्लावर को भी कैसे आप लोग पा सकते हो। और सबसे लास्ट आज मैं 25 का 25 ही कलर बनाने वाली हूँ, तो कैसे बनाया, कैसे आसान तरीके से बना सकते हो, सारी चीजों को देखेंगे। उससे पहले टेल्स गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अरिका आज दोबारा से एक बार फिर से खेल रही हूँ एयर के सर्वाइवल इवॉल्व। लास्ट डे को तो आप लोगों ने देख लिया था इतना तक कि मैंने कैसे गार्डन को बनाया और कितना सुंदर बन चुकी है। अभी आप लोग देखो कि कितना ज्यादा मेहनत लगा, वो तो आप लोगों को पता ही है, अकेले करती हूँ तो मेहनत तो लग ही जाती है, बट इसको बहुत अच्छी तरीके से मुझे बनाना है। बट उससे पहले मैं देख लेती हूँ कि इधर पे पोटेन डस्ट बना है कि नहीं। तो अगर लास्ट डे का वीडियो आप लोगों ने देखा नहीं कि मैंने स्नेक प्लांट को कैसे लगाया, कैसे सब कुछ किया, तो देख लेना एक बार जाके, तो उससे आप लोगों को मिल सकते हैं बहुत सारे पोटेन डस्ट। और इधर पे मुझे 3-3 एम्बर फ्री में मिल चुके। और आज मैं खोलने वाली हूँ मेटल कॉलर चेन को, जिसको खोलने के लिए 40-40 एम्बर की दरकार है, तो इधर पे मैंने खोल ही लिया फाइनली। और उसके साथ मैं आज खोलने वाली हूँ गिगेंटोपिथेकस का रज। इसका मतलब कोई काम नहीं है वैसे, 135 एम्बर तो जाने वाली है, कोई नहीं, सभी जगह खर्च तो कर ही देते हैं, तो इसमें भी कर देते हैं, तो वो सोच के मैंने कर ही लिया। और अपने घर को डेकोरेट करना है, तो उससे पहले मेटल चेन को आप लोग कैसे पहन सकते हो, अगर आप लोग पहन लेते हो तो इससे बस आप लोग का एक्सपी बढ़ेगा। और अभी अगर आप लोग चाहते हो कि आपका पेट को पहनाना, तो आपको इधर पे इक्विप रिमोट पे आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। अगर इक्विप लोकल करोगे तो आपके गले में पहन लोगे आप लोग, और अगर इक्विप रिमोट करोगे तो आप लोगों का जो पेट है उसके गले में पहन लेगा वो मेटल कॉलर चेन। और इससे आपका जो पेट है उसका एक्सपी थोड़ा बच जाएगा, थोड़ा ज्यादा देर तक वो सांस ले पाएगा और आप लोगों को लेके घुमा पाएगा, यही बात है। और शायद मूवमेंट में भी थोड़ा सा फर्क होता है, और कुछ नहीं, इससे और कुछ नहीं होता है मेटल चेन का, यही दो शायद बेनिफिट है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, मैंने इसको पहना तो दिया और बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, मुझे इतना ज्यादा पसंद आ रही थी ना, मतलब मैं जब पहनी थी वो तो दिखी नहीं रही थी, बट इसको जब पहना तो इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा चेन हो गया ना, मतलब काफी ज्यादा सुंदर है। तो जब ये इधर पे भी रखते है, और ये देखो ये जो मैंने लिया था ना गिगेंटोपिथेकस का जो रग है, उसको मैंने जो लिया उस रज को आप लोग इधर पे कहीं पे भी आप लोग सजावट के लिए यूज कर सकते हो। तो अभी तो मैं इसको नहीं करने वाली, और 75 लेवल पे आप लोगों को मिल जाएगा वॉल्ट, उसको आप लोग खोल तो लोगे, बट उसको बनाने के लिए फैब्रिक कटर में जाना पड़ेगा। और देख लेते क्या क्या चीजें चाहिए। ओह तो मेटल इग्नोट, सीमेंट पेस्ट, ऑयल एंड पॉलीमर चाहिए, तो मेटल इग्नोट तो मेरे पास थी नहीं, और इधर पे देखो ऑयल मेरे पास बहुत सारे था, तो मैंने इधर पे 997 ऑयल को कलेक्ट कर ली, तो इतना ही था मेरे पास। और अभी मैं चली जा रही हूँ इधर से, वो जो लावा का जो केव है ना, आई मीन लावा का जो पहाड़ है, उसमें जा रहे हैं हम लोग, केव नहीं। तो इधर पे आने के बाद, इधर पे तो आप लोगों को पता है बहुत सारा मेटल में बनने के लिए दे देती हूँ, और उसके बाद मैं इधर पे बना लेती हूँ फाइनली वॉल्ट को। तो वॉल्ट को बनाने तो बहुत आसान है, और इधर पे बहुत सारे पॉलीमर का दरकार है, तो पॉलीमर भी बना। क्या क्या बोली, सारी चीजें तो मेरे पास इधर पे है ही, और ऑयल अगर नहीं मिलता तो आप लोगों को पता है कि ऑयल कहाँ से मिलता है, ऑयल रॉक्स से मिल जाएगी आप लोगों को बहुत सारी ऑयल, ठीक है ना। तो इधर पे मैंने बहुत सारा वॉल्ट बना लिया, और सारे वॉल्ट बना के मैं आ जाती हूँ अपने घर पे। और आने के बाद सारे वॉल्ट को मैं रख देने वाली हूँ, फिर जाके मैं थोड़ा घर का मॉडिफिकेशन करूँ, और उसके बाद सारे वॉल्ट को मैं लगा देने वाली हूँ, ठीक है ना। तो इधर पे फटाफट से जितने भी सारे मैंने वॉल्ट बना के लेके आई हूँ, तो सारे को मैं लग देती हूँ। और अभी मैं देख लेती हूँ इधर पे कुछ बना है या फिर नहीं। तो इधर पे आने के बाद मैं देख रही हूँ दो ही है, मतलब ये बढ़ता है भी या फिर ऐसे ही रहती है, मुझे नहीं पता, एग्जैक्टली नहीं पता कितना टाइम लेके बढ़ता है, क्योंकि इसको बढ़ने में बहुत टाइम लग रही थी। तो इधर पे आज जो मैं सबसे बड़ी एंड खास चीजें दिखाने वाली हूँ, कलर बनाना। तो ब्लैक कलर बनाने के लिए आप लोगों को क्या ही बताऊँ, आप लोगों को पता है कि ब्लैक कलर बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए नारकोटिक एंड चारकोल, और उसके साथ वाटर स्किन, जैसे ही आप लोग देखोगे तो हो जाएगा ब्लैक कलर। ये मैं लास्ट डे को भी दिखाया था, आप लोग दूसरा वीडियो देखने जाके अच्छा यही देख लो। और सेकंड में इधर पे बनाने वाली हूँ स्लेट कलर को, ठीक है ना। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये सब इंग्रेडिएंट्स हटाओ, मतलब आपको स्लेट कलर बनाने के लिए आपको नाप छाप के नहीं देना पड़ता, ठीक है ना। आप लोग अगर स्नेर को बेरी और सीम बेरी और उसके साथ अगर स्पार्क पाउडर को दे दोगे तो बहुत आसान तरीके से बन जाती है स्लेट, ठीक है, स्लेट कलर जो है वो बन जाती है। देखो इधर पे मैंने कोई नाप छाप के नहीं दिया, वैसे ही दे दिया, और जैसे ही मैं दे देती हूँ उसको एक वाटर स्किन एंड स्पार्क पाउडर के साथ, वैसे ही बन जाता है बहुत सारा इधर पे स्लेट कलर। तो ऐसी कोई बात नहीं कि आप लोगों को एकदम नाप के देना है। तो अभी मैं जो बनाने वाली हूँ वो है सिल्वर डाई, ठीक है, इसके लिए आप लोगों को चाहिए सीम बेरी, नैरको बेरी एंड उसके साथ चाहिए गन पाउडर, वाटर स्किन। जैसे ही आप लोग दे के उसको कर दोगे ऑन, बन जाएगा आप लोगों का सिल्वर कलर। तो इधर पे मैंने बहुत सारा सिल्वर कलर बना लिया, ठीक है ना। इधर पे मुझे बहुत सारा कलर बना था, तो मैंने 100 बना लिया, कोई नाप झाप के इसको भी नहीं देना पड़ता है, बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हो। इसके बाद जो व्हाइट कलर, आप लोगों को पता है कि व्हाइट कलर कैसे बनता है, सिर्फ सिमबेरी दे दो, उसके साथ चारकोल दे दो और वाटर स्किन दे दो, फिर आग जला दो, बन जाएगा आप लोगों का इधर पे व्हाइट कलर। तो इधर पे मैंने बहुत सारा व्हाइट कलर बनाया था पहले ही, तो मैंने और नहीं बनाती हूँ, जस्ट दिखाने के लिए मैंने दिखा दिया। इधर पे अभी बनाना है रेड कलर, रेड कलर भी बहुत ज़्यादा आसान है, बस टिंटो बेरी दे दो, उसके साथ चारकोल दे दो और वाटर स्किन दे दो, फिर आग जला देना,
जैसे ही आप लोग आग जलाओगे आप लोगों का बनके रेडी हो जाएगा रेड। तो अभी रेड कलर देखो इधर पे बनके रेडी भी हो चुकी है। इसको मैं फटाफट से अपनी इन्वेंटरी में ले लेती हूँ, फिर कुकिंग पॉट को पूरा खाली कर देना है, ठीक है ना। फिर से इस बार मैं जो बनाने वाली हूँ वो है ऑरेंज कलर, ठीक है। तो ऑरेंज कलर बनाना ना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। उसको आपको नाप के ही देना पड़ेगा, इधर पे 9 MBD देना पड़ेगा, ठीक। फिर 9 टिंटो बेरी देना पड़ेगा, उसके साथ चारकोल देना पड़ेगा। बट चारकोल नाप के नहीं दोगे तब भी चलेगा, ठीक है ना। चारकोल जितना है दे दो, बट 9 MBD एंड 9 टिंटो बेरी चाहिए। उसके साथ वाटर स्किन जैसे ही आप लोग दोगे आप लोगों का ऑरेंज कलर बन के रेडी हो जाएगी, ठीक है। और अभी जो मैं कलर बनाने वाली हूँ वही येलो कलर, ठीक है ना। येलो कलर का बनाने के लिए भी आप लोगों को चाहिए सिर्फ और सिर्फ एम्बेरी चाहिए, उसके साथ चारकोल चाहिए और उसके साथ वाटर स्किन। जैसे ही आप लोग देखे इसको आग लगा दोगे आप लोगों का येलो कलर बहुत ही आसान तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। तो देखो इधर पे येलो कलर भी बन के रेडी हो चुकी है। मैंने इधर पे सॉस बना लिया फिर से एक बार और इसको मैं फटाफट से अपने इन्वेंट्री में ले लेती हूँ। अभी मुझे जो चाहिए, एक सेकंड उससे पहले ना मैं देख लेती हूँ, पोटेन डाल देखो अभी भी दो ही है। तो मैंने सोचा भाई क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही थी। और बाकी अभी मुझे जो कलर चाहिए वो है ग्रीन कलर, जिसके लिए आप लोगों को चाहिए चारकोल, एम्बेरी चाहिए 9 और एजबेरी चाहिए 9, उसके साथ वाटर स्किन, ठीक है ना। चारकोल आप लोगों के पास जितना है दे दो, फिर उसके साथ 9 MBD और 9 एजबेरी चाहिए होता है, उसको जैसे ही दोगे वाटर स्किन के साथ फिर आग लगा दोगे तो आप लोगों का बन जाएगा ग्रीन कलर, ठीक है ना। तो उसको आप लोग बहुत आसान तरीके से बना सकते हो, बस थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है इसको बनाने के लिए। तो बराबर से इधर पर मैं बना लेती हूँ और अभी सारे चीज़ों को मैं ले लेती हूँ अपनी इन्वेंट्री में वापस ले लेती हूँ, ठीक है ना। तो अभी नेक्स्ट जो कलर हम लोग बनाने जा रहे हैं साइन कलर, ठीक है। तो साइन कलर बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए इधर पर 6 चाहिए एम्बेरी, 12 चाहिए आपको एजुबेरी और उसके साथ आप लोगों को स्पार्क पाउडर मस्ट चाहिए, ठीक है ना। और उसके साथ वाटर स्किन, जैसे ही आप लोग दोगे आप लोगों का बन जाएगा सायन कलर। तो क्या क्या चाहिए, 6 MBD, 12 एजुबेरी और उसके साथ स्पार्क पाउडर एंड वाटर स्किन। जैसे ही आप लोग दोगे उसका आग जला दोगे आप लोगों का इधर पे सायन कलर बनकर रेडी हो जाएगी। अभी चलो बना लेते हैं पर्पल कलर को, ठीक है। पर्पल कलर बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए 9 एजुबेरी, 9 टिंटोबेरी, उसके साथ चारकोल जितना है दे दो और वाटर स्किन दे दो और आप लोगों का बनके रेडी हो जाएगी पर्पल कलर, ठीक है ना। तो इधर पे मैंने बहुत सारा पर्पल कलर बना लिया, बस दिखाने के लिए थोड़ा बहुत बना ले रही हूँ। तो इधर पे देखो पर्पल कलर भी बनके रेडी हो चुकी है। अभी मैं इधर पे थोड़ा एक दो और बना लेती हूँ, मैंने सोचा पर्पल कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी तो मैंने थोड़ा बहुत बना लिया, ठीक है ना। तो अभी इसको इन्वेंटरी में ले लेते हैं और बाकी सारी कुकिंग पॉट से खाली कर लेते हैं और उसके बाद हम बनाने वाले हैं इस बार ब्रिक कलर को। तो ब्रिक कलर बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए 12 टिंटोबेरी, 6 नैरकोबेरी, स्पार्क पाउडर एंड वाटर स्किन, ठीक है ना। जैसे ही देखे आप लोग आपको जला दोगे वो जाएगा आप लोगों का ब्रिक कलर रेडी, ठीक है ना। तो ब्रिक कलर भी बनाना बहुत आसान है बट मेहनत लगेगी, इसमें भी मेहनत लगेगी, ठीक है ना। अभी जो कलर बनाने वाली उसका नाम है टैंजरीन, ठीक है ना। तो टैंजरीन कलर को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, 7 आप लोगों को चाहिए एम्बेरी, 7 टिंटोबेरी, 4 नैरकोबेरी, गन पाउडर, वाटर स्किन, ठीक है ना। ये सब देखे जैसे आग जला दोगे कुछ ही देर के अंदर आप लोगों का टैंजरीन कलर बन के रेडी हो जाएगी। तो इधर पे देखो टैंजरीन बहुत सारा बनाया तो नहीं, 5 बनाया इधर पे मैंने। मुझे देखो इधर पे एसेंडन सेवर टूथ का शेडल मिल चुकी है जो कि काफी ज्यादा इधर पे अच्छी लग रही थी और उधर पे मुझे गैलेलियमस का भी मिला था ब्लूप्रिंट। सारे कुछ मैं स्मिथी में रख देती हूँ उसका ब्लूप्रिंट वगैरह। और अभी जो मैं कलर बनाने वाली हूँ उसका नाम है पैचमेंट, ठीक है ना। ये कलर बहुत अच्छी है, सच बता रही हूँ, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा ब्राइट है, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग चाहते हो तो बना लेना बहुत सारे। और इसको बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए एम्बेरी, एजुबेरी, टिंटोबेरी, स्टीम बेरी, गन पाउडर और वाटर स्किन। जैसे ही आप लोग ये सारे चीज दे के आप लोग आपको जला दोगे आप लोगों का इधर पे पैचमेंट कलर बन के रेडी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको भी बना लेना बहुत आसान है और इतना ज्यादा मेहनत नाप झपने का कोई दरकार नहीं। उसके बाद बनाने वाली हूँ मैं टैन कलर को। उसके लिए आप लोगों को चाहिए 4 एम्बेरी, 1 एजुबेरी, 7 टिंटोबेरी, 6 सीम बेरी, गन पाउडर चाहिए और उसके साथ आप लोगों को वाटर स्किन दे के जैसे ही आप लोग इसमें भी आग जला दोगे आप लोगों का इधर पे टैन कलर बन के रेडी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको भी बना लेना बट इसको नाप झपके ही देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे अगर दे दोगे तो आप लोग नहीं होगा। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग स्काई कलर बना लेते हैं। उसके बनाने के लिए आप लोगों को एजुबेरी चाहिए, स्टीम बेरी चाहिए और गन पाउडर चाहिए और उसके साथ वाटर स्किन चाहिए। ये सब देने पे ही आप लोगों का बन जाएगा, कोई नाप झापने का दरकार नहीं है, जितना है उतना दे दो बन जाएगा आप लोगों का स्काई कलर का डाई, ठीक है ना। और अभी चलो बना लेते हैं पिंक कलर को। उसके लिए आप लोगों को चाहिए टिंटो बेरी, स्टीम बेरी, उसके साथ गन पाउडर और वाटर स्किन। इसको भी नाप झापने का कोई दरकार नहीं है, सारे कुछ एक साथ डाल दो बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम मतलब आराम से बन जाती है, तो बहुत आसान है। और अभी जो मैं बनाने वाली हूँ वो है मैजेंडा कलर, जिसको बनाने के लिए भी आप लोगों को नाप झापने का कोई दरकार नहीं है, सिर्फ एजुबेरी, टिंटोबेरी, उसके साथ आप लोगों को स्पार्क पाउडर मस्ट चाहिए, ठीक है ना। स्पार्क पाउडर इधर पे लगेगी तो इसको देके वाटर स्किन देके जैसे ही आप लोग आग लगा दोगे आप लोगों का इधर पे बन जाएगी मैजेंडा कलर। अभी आते हैं ब्राउन कलर पे, जिसको बनाने के लिए 6 एम्बेरी, 3 एजुबेरी, 9 इधर पे टिंटोबेरी,
चारकोल चाहिए और उसके साथ वाटर स्किन चाहिए, ठीक है ना। जैसे ही आप लोग इसको दोगे आप लोगों का ब्राउन कलर बन के रेडी हो जाएगी। तो मैंने इधर पे 20-20 ही बना लेती हूँ, ज्यादा नहीं बनाती हूँ, थोड़ा बहुत ही बना लेती हूँ। और अभी जो मैं बनाने वाली हूँ उसका नाम है मट कलर, ठीक है ना। तो उसको बनाने के लिए दिक्कत वाली बात नहीं है, एम्बेरी दे दो, एजबेरी दे दो, टिंटोबेरी दे दो, नेकोबेरी दे दो, और इसमें भी स्पार्क पाउडर मस्ट है, ठीक है ना। तो उसको देखे जैसे ही आप लोग आग जला दोगे आप लोगों का इधर पे मट कलर बन के रेडी हो जाएगी। वाटर स्किन तो कंपल्सरी है, आप लोगों को पता ही है। अभी जो कलर बनाने वाली हूँ वो है ऑलिव कलर, ठीक है ना। उसको बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए एजबेरी, नेकोबेरी, स्पार्क पाउडर एंड वाटर स्किन, ठीक है ना। इसमें भी स्पार्क पाउडर कंपलसरी है, जैसे ही आप लोग इसको दोगे आप लोगों का ऑलिव कलर बनके रेडी हो जाएगी। तो ये भी आसान है। अब आते हैं फॉरेस्ट कलर पे। फॉरेस्ट कलर पे भी आप लोगों को नाप झापने का कोई दरकार नहीं है। इधर पे एम्बेरी, एजुबेरी, नैरकोबेरी, गन पाउडर, उसके साथ वाटर स्किन देख, जैसे ही आप लोग आग को जला दोगे वैसे ही आप लोगों का इधर पे फॉरेस्ट कलर बन के रेडी हो जाएगी। इसको भी कोई मतलब माप झोप मत करना, ऐसे ही दे देना तो आप लोगों का इस पे फॉरेस्ट कलर बन के रेडी हो जाएगी, ठीक है ना। अभी जो कलर बनाने वाली वो है नेवी ब्लू, ठीक है ना। उसको बनाने के लिए आप लोगों को एजुबेरी, नैरकोबेरी और स्पार्क पाउडर इसमें भी मस्ट है, और उसके साथ वाटर स्किन देके जैसे ही आप लोग आग जला दोगे वैसे ही आप लोगों का नेवी कलर बनके रेडी हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट है रॉयल्टी कलर, ठीक है ना। तो रॉयल्टी कलर बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए एजुबेरी, टिंटोबेरी, नैरकोबेरी और गन पाउडर, और उसके साथ एज यूजुअली वाटर स्किन देके जैसे ही आप लोग आग को जला दोगे आप लोगों का बनके रेडी हो जाएगी इधर पे रॉयल्टी कलर। आई थिंक मैं एक इधर पे मिस कर जाती हूँ, जो कि है कैंटालोप डाई, जिसको बनाने के लिए आप लोगों को 7 एम्बेरी, 7 टिंटोबेरी, 4 स्टीम बेरी और स्पार्क पाउडर और उसके साथ वाटर स्किन की दरकार है। उससे आप लोगों का कैंटालोप डाई बन जाएगी। और बाकी आप लोगों को सारे कलर मैंने दिखा दिया, 24 दिखाया मैंने, एक शायद मिस हो गई मेरे से, पता नहीं कैसे। तो जो भी इधर पे मैं सारे कलर बना चुकी हूँ। और कैंटालोप एक्चुअली मेरे को कैंटालोप पसंद नहीं है, ऑरेंज का एकदम साइड साइड ही था तो मैंने इसको बनाया भी नहीं, सच बताए तो। तो इधर पे 25-25 देखो कलर बनके रेडी हो चुके। तो आज फिर मैं जाती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड पे बहुत सारी चीजों को लेके। तब तक के लिए टाटा एंड टेक केयर।